हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आपका ऑनेस्ट प्रोडक्टिव रिव्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं श्रेया। आज की वीडियो में हम देखेंगे एलोवेरा जेल के ऑनेस्ट रिव्यू, कंपैरिजन रेट और साथ ही उनकी प्योरिटी। एलोवेरा जेल अगर स्किन पे लगाया जाए तो बहुत अच्छे फ़ायदे देता है, लेकिन उसके इन्ग्रीडियंट्स आप लगाने से पहले चेक कर लें तो फ़ायदे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल। इसमें एलोवेरा है और साथ में एलो बेस और परफ्यूम्स हैं। अगर हम ट्यूब देखें तो बहुत स्टेडी है, ट्रांसपेरेंट है और इजीली खड़ी हो जाती है, यानी कि ड्रिप इसमें एलोवेरा जेल लास्ट तक होता रहेगा। ट्यूब के पीछे हिंदी में लिखा हुआ है कि स्किन पे और फेस पे और हेयर्स पे कैसे लगाना है, तो इसकी एप्लीकेशन आपको सुविधाजनक हो जाती है। इसके अंदर जो मुझे एक ड्रॉबैक लगा वो ये है कि एलोवेरा 90% है, लेकिन विटामिन ई कलर और परफ्यूम कितना डाला है इसके बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। अमेज़ॉन पे 150 ml की जो ट्यूब है 82 rupees में मिल रही है, और साथ ही शायद अमेज़न आपसे डिलीवरी चार्जेस भी ले, तो पास के स्टोर में इसकी MRP जो है वो 90 rupees है, उस पर आप कॉस्ट कंपेयर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है योगी का एलोवेरा जेल। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें धृत कुमारी के अलावा मंजिष्ठा, गुलाब भी है। मंजिष्ठा और गुलाब हालांकि बहुत ही कम क्वांटिटी में है, लेकिन दोनों इसके अंदर इन्होंने डाले हैं। ट्यूब स्टेडी है और ऑलमोस्ट जो पतंजलि का एलोवेरा जेल है उसके बराबर ही साइज़ के अंदर है। इसकी MRP जो 100 rupees है, और अमेज़ॉन के ऊपर आप चेक कर लीजिएगा कॉस्ट, क्योंकि वो डिलीवरी कॉस्ट भी ले रहे हैं, तो दोनों को कंपेयर करके फिर ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वैसलीन एलो जेल। एलोवेरा जेल की दौड़ में वैसलीन नया नया शामिल हुआ है, रेप्यूटेड कंपनी है। ट्यूब ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे पतंजलि की है। इसमें पानी, ग्लिसरीन, अरंडी के तेल और एलोवेरा के साथ और बहुत सारे केमिकल डाले हुए हैं, जो वैसलीन बॉडी लोशन जैसे कुछ कुछ हैं। ट्यूब उसी तरह स्टेडी है और ट्रांसपेरेंट है। साइज़ भी अगर आप देखेंगे तो तीनों का एक जैसा ही है। अमेज़ॉन पे इस समय अवेलेबल नहीं है, क्लाइरो करके एक वेबसाइट है उस पर मिल रहा है, और ग्रोसरी स्टोर पे ये 150 ग्राम की ट्यूब आपको मिल रही है 95 rupees में। अब अगला देख लेते हैं हम डॉक्टर जैन का एलोवेरा जेल। डॉक्टर जैन का एलोवेरा जेल बहुत पुराना है, और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें 96.30 प्योर एलोवेरा है। बाहर की पैकिंग आपको इस तरह की मिलती है, और जब आप इसे खोलते हैं तो अंदर आपको मिलता है एक प्लास्टिक का डब्बा जिसके अंदर एलोवेरा जेल है। साथ ही आपको इंस्ट्रक्शन लीफ मिलती है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर इसका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। जो पैकिंग है वो मुझे इसकी इम्प्रेसिव लगी, क्योंकि सेफ और हाइजीनिक है। अंदर से आप जब इसे खोलते हैं तो आप देखेंगे कि एल्युमिनियम फॉइल से भी इन्होंने इसको सील किया हुआ है। जेल इस तरह दिखता है, ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, और इसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि इसे खोलने के बाद आपको फ्रिज में रखना है, जबकि बाकी जो एलोवेरा जेल्स हैं उसमें इस तरह के इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं। 480 rupees के अंदर आपको मिल रहा है 500 ग्राम, और अमेज़ॉन पे भी मिल रहा है, और आपके पास के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी ये मिल जाएगा। 100 ग्राम मिल रहा है 108 rupees के अंदर। नेक्स्ट है बॉडी शॉप का एलोवेरा जेल। ये मल्टीपर्पज़ उन्होंने बताया है, 1545 रुपये में 200 ml मिल रहा है, जो काफ़ी मुझे महंगा लगा। और एलोवेरा जेल के साथ इसमें प्रिजर्वेटिव हैं जिनकी क्वांटिटी नहीं लिखी गई है। ये बॉडी शॉप पे, अमेज़न पे ही मिलेगा, ग्रोसरी स्टोर पे नहीं मिलता है। और अब बारी है थिकनेस और कलर चेक करने की। सबसे पहले है डॉक्टर जैन का एलोवेरा जेल, ट्रांसपेरेंट है, किसी तरह का मुझे इसमें कोई रंग नज़र नहीं आ रहा है। डब्बे के अंदर वो जो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको हल्का हरा दिख रहा है, काफ़ी थिक है, उल्टा करने पे भी नहीं गिर रहा है। और अब हम देख लेते हैं योगी का एलोवेरा जेल। योगी के एलोवेरा जेल की ट्यूब अगर बाहर से देखें तो उसमें हरा रंग आपको थोड़ा एलोवेरा जेल के अंदर दिखाई दे रहा है। उसका कारण यह है कि उसके अंदर हरा रंग उन्होंने जेल में मिलाया है। ट्यूब अगर आप स्क्वीज करते हैं तो ये बहुत पानी के जैसे बाहर निकलता है, यानी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली है। ये देखिए इस तरह से ड्रिप होता है, और साथ ही इसके अंदर परफ्यूम भी मिला हुआ है। अगला हम देख लेते हैं पतंजलि का एलोवेरा जेल। ये बाहर से ट्यूब आपको हरी दिख रही है, इसका भी ये मतलब है कि इसमें इन्होंने हरा रंग मिलाया है। स्क्वीज़ करने पे ये थोड़ा गाढ़ा एलोवेरा जेल बाहर निकलता है, जो योगी से गाढ़ा है
लेकिन डॉक्टर जैन से पतला है, साथ ही इसमें हरा रंग भी आप देख पा रहे हैं कि मिला हुआ है। अगला प्रोडक्ट हम ले लेते हैं वैसलीन का एलोवेरा जेल। वैसलीन का एलोवेरा जेल की जो ट्यूब है ये भी बाहर से आपको हल्का हरा शेड देगी क्योंकि इसके अंदर भी हरा रंग मिला है। स्क्वीज करने पे थोड़ा गाढ़ा एलोवेरा जेल बाहर आता है, ये देखिए इस तरीके से, जो कि डॉक्टर जैन के एलोवेरा जेल से थोड़ा पतला है लेकिन बाकी सभी से गाढ़ा है। अगर आप इन्हें प्लेट पे देख पा रहे हैं तो निकालने के बाद में आप नोटिस करेंगे कि ये फैल रहे हैं। अब देख लेते हैं कि बॉडी शॉप का एलोवेरा जेल कैसा है। ये देखिए इस तरह से है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, थिक है, इसमें कोई रंग नहीं मिला। और डॉक्टर जैन के एलोवेरा जेल से थोड़ा कम थिक है लेकिन बाकी जितने भी हमने एलोवेरा जेल निकाले उन सबसे ज़्यादा थिक है। थिकनेस में डॉक्टर जैन 1 पे है, योगी 5th पे है और जो पतंजलि है 4th पे है, एस्लीन 3rd पे है और नंबर 2 पे बॉडी शॉप का एलोवेरा जेल है। और अब बारी है स्किन टेस्ट करने की। सबसे पहले एलोवेरा जेल ले लेते हैं डॉक्टर जैन का, फिर मैं ले रही हूँ पतंजलि, नंबर 3rd पे हम ले रहे हैं योगी और 4th पे मैं ले रही हूँ वैसलीन और 5th पे मैं लूँगी बॉडी शॉप। आप देख पाएंगे इस समय कि इनके रंग जो हैं वो स्किन पे आपको नज़र आ रहे हैं। बॉडी शॉप और डॉक्टर जैन ट्रांसपेरेंट हैं, बाकी सब में आपको हरा रंग दिख रहा है। तो चलिए अब हम इनको रब करके देख लेते हैं कि एब्जॉर्ब कितनी जल्दी होते हैं। तो चलिए स्किन टेस्ट करते हैं। डॉक्टर जैन का एलोवेरा जेल थोड़े से में ही बहुत स्प्रेड हो गया और शाइन दे रहा है स्किन पे, थोड़ा सा गाढ़ा है। पतंजलि का एलोवेरा जेल मुझे थोड़ा चिपचिपा लगा और स्प्रेड करने में उतनी स्मूथनेस मुझे नज़र नहीं आई। स्किन टोन में भी आप दोनों में देखेंगे डिफरेंस है। नेक्स्ट है योगी का, ये थोड़ा पतला है लेकिन ये एब्जॉर्ब होने में इसने समय लिया, इसमें भी थोड़ा चिपचिपापन है। अगला जो प्रोडक्ट है वैसलीन का, ये गाढ़ा है और ये इस तरह की लुक देता है कि जैसे फील देता है कि जैसे आप वैसलीन रब कर रहे हो। और नेक्स्ट है बॉडी शॉप का, ये ईजिली एब्जॉर्ब हो गया। अब आप पास से अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको लगाने के बाद स्किन टोन में डिफरेंस नज़र आ रहा है। जो डॉक्टर जैन है और बॉडी शॉप है, दोनों की स्किन का लुक आपको सेम दिख रहा है और बाकियों में हल्का हरा टिंट होने की वजह से वो थोड़े से स्किन को दबा रहे हैं, यानी उनका लुक वैसा नहीं आ रहा। तो अगर आप स्किन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा प्रोडक्ट ना लगाएं जिसमें कलर हो। और अब बारी है ऑनेस्ट रिव्यू की। कॉस्ट, पैकेजिंग, प्योरिटी, एप्लीकेशन पे मैं डॉक्टर जैन को 1 नंबर दूंगी क्योंकि इन सब में ये एकदम खरा उतरता है। पतंजलि हम नंबर 2 पे ले सकते हैं, कॉस्ट और उसके अंदर प्योरिटी उसको देखते हैं। नंबर 3 पे हम वैसलीन लेंगे, अगर ड्राई स्किन है तो वैसलीन बेस्ट रहेगी। 4th पे मैं लूँगी योगी और 5th पे बॉडी शॉप, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उस कॉस्ट में महंगा है। तो अगर आपको ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसमें इन सबको घर पे कैसे बनाया जाए और आयुर्वेदिक और होममेड रेमेडीज़ हैं इंडियन होम DIY के नाम से, उसे एक बार समय निकाल के विज़िट ज़रूर कीजिएगा। सुंदर लगे, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। मैं जल्दी मिलूंगी नए रिव्यूज़ के साथ। टेक केयर, बाय।